नाउ पेज नंबर 26, दिस इज सैम्स फैमिली। ये जो लड़का है ना, इसका नाम क्या है? सैम। ये सैम का फैमिली है। दिस इज हिज मदर, ये इसकी मम्मी है। दिस इज हर हिज फादर, ये उसके फादर है, पिता है, पापा है। दिस इज हिज सिस्टर, ये उसकी सिस्टर है। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स, ये कितने फैमिली मेम्बर्स है? फादर, मदर, सिस्टर एंड सैम। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर? फोर। माई फैमिली हैज फोर पीपल, कितने पीपल है? फोर पीपल है। ओके, एज इट इज पेज नंबर 27, दिस इज रियाज फैमिली, इट इज अ लार्ज फैमिली। ये रिया का फैमिली है, ये रिया है, ये उसका फैमिली है। अंकल्स, आंट्स, फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, कजिन, कजिन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ये सब उसके फैमिली मेम्बर्स है। रिया का फैमिली मेम्बर, रिया का फैमिली है। और रिया का फैमिली कैसा है? लार्ज फैमिली, लार्ज यानी बड़ा फैमिली। ओके, टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है उस पे राइट टिक करना है। दिस इज मदर, तो मदर है ना आपके घर पे, तो राइट टिक करना है। फादर, फादर है ना, फादर में राइट टिक करना है। डॉक्टर, अगर आपके घर में डॉक्टर है तो राइट टिक करना है। ओके, टीचर, ग्रैंडफादर, अगर ग्रैंडफादर है घर में तो राइट टिक करना है। अंकल, अंकल घर में है तो राइट टिक करना है। सिस्टर, अगर सिस्टर है तो राइट टिक करना है। फ्रेंड, फ्रेंड है आपके घर में, नहीं है ना। ग्रैंडमदर, अगर ग्रैंडमदर है तो राइट टिक करना है। ब्रदर, अगर आपका कोई ब्रदर है तो राइट टिक करना है। कजिन्स, कजिन्स यानी चाचा मामा के लड़के या लड़की। ओके, अगर कजिन्स है तो उसमें राइट टिक करना है। मिल्कमैन, मिल्कमैन है आपके घर में, नहीं है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 29, नेम द मेंबर्स ऑफ फैमिली। ये सब फैमिली मेंबर्स के नाम है, आपको फोटो देखनी है और उसके सामने फैमिली मेंबर के नाम लिखने हैं। मदर, ये फर्स्ट पिक्चर किसका है? मदर का है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एम ओ टी एच ई आर, मदर। विच पिक्चर इज दिस, ये किसका पिक्चर है? ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की स्पेलिंग क्या है? जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर, ग्रैंडफादर। ओके, ये कौन है? कजिन्स, कजिन्स की स्पेलिंग सी ओ यू एस आई एन एस, कजिन्स, सी ओ यू एस आई एन एस, कजिन्स। ओके, ये कौन है? फादर, एफ ए टी एच ई आर, फादर। ओके, वंस अगेन, दिस इज मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर, ग्रैंडफादर यानी दादा। कजिन, सी ओ यू एस आई एन एस, कजिन्स, कजिन्स यानी चाचा मामा के लड़के या लड़की। दिस इज फादर, एफ ए टी एच ई आर, फादर। नाउ ओपन द पेज नंबर 30। ओके, ये कौन है? ग्रैंड मदर। ओके, जी आर ए
एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंड मदर. कौन है ये? ग्रैंड मदर. नेक्स्ट कौन है ये? आंट. कौन है? आंट. आंट की स्पेलिंग ए यू एन टी आंट. ए यू एन टी आंट. नेक्स्ट ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर. नेक्स्ट अंकल यू एन सी एल ई अंकल. नेक्स्ट सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर. ओके आर यू अंडरस्टैंड? वंस अगेन दिस इज ग्रैंड मदर जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंड मदर यानी दादी. दिस इज आंट ए यू एन टी आंट आंट यानी चाची. दिस इज ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर ब्रदर यानी भैया. अंकल यू एन सी एल ई अंकल अंकल यानी चाचा. सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर सिस्टर यानी दीदी. ओके नाउ दिस इज अवर होमवर्क पेज नंबर 31. दिस इज अवर होमवर्क. राइट अबाउट योर फैमिली. इसमें आपको अपने फैमिली के बारे में लिखना है. माय मदर्स नेम इज यहाँ पे आपको क्या लिखना है? अपनी मम्मी का नाम. तो माय मदर्स नेम इज आपकी मम्मी का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखना है. ओके एज इट इज माय फादर्स नेम इज यहाँ पे पापा का नाम लिखना है. ओके माय सिस्टर्स नेम इज यहाँ पे अपनी दीदी का नाम. अगर दीदी नहीं है तो आई हैव नो सिस्टर. ओके माय ब्रदर्स नेम इज यहाँ पे भैया का नाम लिखना है. ओके वी लिव इन आप कौन से सिटी में रहते हो? सूरत. ओके वी लिव इन सूरत. ओके दिस इज अवर होमवर्क. Now open the page number 32. Take the things you like to do with your family. आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ के कौन कौन सी चीज़ें करते हो? जैसे गाना गाते हो, बैठ के खाना खाते हो, खेलते हो, ये सब दिया है यहाँ पे. इसमें से आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो उसमें राइट टिक करना है. सिंग और डांस टूगेदर साथ में मिलके गाना गाते हो डांस करते हो तो उसमें राइट टिक करना है. ओके प्ले टूगेदर साथ में मिलके खेलते हो सब फैमिली मेम्बर अगर खेलते हो तो राइट टिक करना है. ओके सेलिब्रेट फेस्टिवल्स त्यौहार मनाते हो ना आप साथ में मिलके तो उसमें राइट टिक करना है. ईट टूगेदर साथ में मिलके खाना खाते हो तो उसमें राइट टिक करना है. ड्रॉ और पेंट टूगेदर साथ में मिलके ड्राइंग करते हो पेंटिंग करते हो तो उसमें राइट टिक करना है. ओके नाउ पेज नंबर 33. दिस इज अवर होमवर्क. व्हाट इज दिस इज अवर होमवर्क. नाउ लेट्स रीड इंस्ट्रक्शन. व्हाट एल्स डू यू डू टूगेदर. Draw in the space given below. इसमें आपको क्या करना है? जो आप साथ में मिलके करते हो पूरे सब फैमिली मेम्बर जैसे कि खेलते हो या फिर खाना खाते हो तो उसको ये यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है या आप पिक्चर स्टिक भी कर सकते हो. ओके नाउ नेक्स्ट राइट योर मदर्स और फादर्स नेम एंड योर हाउस एड्रेस ऑन द एनवेलोप. ड्रॉ अ स्टैम्प. ये एनवेलोप है यहाँ पे आपको स्टैम्प स्टिक करनी है. ओके और यहाँ पे अपना
एड्रेस लिखना है, आप कहाँ पे रहते हो वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है. ओके ओके, थैंक यू.